Now, after question number 14, we are starting question number 15. See, question number 15 from your book. If sum of two number is this, where one of them is this, find the other. ये question मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कराऊंगी, आपको खुद को करना है. देखिए, दो नंबर हैं, उनको हमने यदि ऐड किया है तो हमारा नंबर ये बनता है. उसमें से यदि एक नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिए. इफ द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का ऐड करने के बाद यदि ये आंसर आता है तो जिनमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा. तो इस बड़े नंबर में से इस एक नंबर को माइनस करना पड़ेगा तो हमारा अदर नंबर आ जाएगा. मैं आपको स्टेटमेंट लिखना बता देती हूँ, है ना, आपको सेल्फ उसको करेंगे. इतनी देर से मैं बता रही हूँ, आप खुद करेंगे. सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या दे रखा है इसने, सम ऑफ टू नंबर इज, ये हमारा ये है, फिर हमारा ये है, फिर हमारा ये है, और देन हमारा ये है. ओके, इसको ढंग से लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. ओके, नाउ इफ वन नंबर इज, यदि एक नंबर हमारा क्या है, थ्री, तो आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे. इतनी देर से मैंने आपको तरीका बताया, आप खुद फाइंड आउट करेंगे. ये आपका क्या है, देखिए इसमें नंबर सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं, है ना. ये आपका सबसे पहले क्या है, नाइन है, है ना. इस तरीके से जो मैंने आपको अभी इतनी देर से बता रही हूँ उस तरीके से आप इसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, माइनस कीजिए जो आंसर आता है, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा. सी क्वेश्चन नंबर 16. अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रॉम योर बुक. मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू मेक थ्री कर्टन्स. इतना मीटर कपड़ा चाहिए हमको तीन पर्दे बनाने के लिए, थ्री कर्टन बनाने के लिए. ओके, एंड इतने मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू मेक फाइव कैनोपी, और इतने मीटर कपड़ा चाहिए हमें फाइव कैनोपी बनाने के लिए. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ्स, तो हमें कितना कपड़ा चाहिए. स्टेटमेंट लिखे दे रही हूँ, वही आपको इतनी देर से मैंने बताया, सेम प्रोसेस है, आपको वैसे ही करना है. क्लोथ रिक्वायर्ड, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कर्टन, है ना, कर्टन के लिए कितना रिक्वायर्ड है आपको, आप खुद देखेंगे कितना रिक्वायर्ड है. मीटर, ओके, फिर लिखिए आप क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कैनोपी, इसके लिए कितना चाहिए आपको, ये भी मीटर. फाइंड टोटल, टोटल क्लॉथ्स, टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड. अब जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, सेम प्रोसेस. पहले आप रफ में क्या करेंगे, इसको नंबर्स में चेंज कर देंगे, फिर रफ में जब नंबर में चेंज करने के बाद उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इधर वैल्यू को पुट करेंगे, और दिस इज योर आंसर. क्योंकि यदि मैं सारे कर दूंगी तो आप कोई भी खुद अपना एफर्ट्स लगाएंगे ही नहीं, इसलिए फर्स्ट डू योरसेल्फ. ओके, यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आई विल सेंड यू अगेन द वीडियो, बट क्योंकि ये आपका ऑलरेडी रिवीजन चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डन इन अप्रैल मंथ, अप्रैल महीने में हमने ये पहले ही कर चुके हैं, बट कुछ बच्चों ने अभी बुक्स लिए है ना, तो मैंने एक बार सोचा कि हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं.
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप ध्यान से देखिए। सी रितु हैज रुपीज 575, रितु के पास कितने पैसे रुपए हैं 575। श्वेता हैज 190 लेस देन रितु, श्वेता के पास कितने हैं रितु से 190 रुपीज कम है। ओके इफ द रुपी ऑफ टू इज पुट टुगेदर, यदि दोनों के रुपए को साथ रख दें इज इक्वल टू रेनूज रुपीज, तो वो क्या होंगे रेनू के रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो आपको हाउ मच रुपीज डज रेनू हैव, तो रेनू के पास कितने रुपए हैं, रितु के पास कितने रुपए 575, श्वेता हैज श्वेता के पास कितने रितु से कितने कम है 190 रुपीज कम है रितु से, है ना। तो हम क्या करेंगे, और दोनों को इफ द रुपीज ऑफ टू इज पुट टुगेदर, दोनों के पैसों को साथ रखें तो रेनू के रुपए बन जाते हैं। तो फाइंड आउट करना है हमको रेनू का कितना अमाउंट होता है। सी अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, रितु हैज, रितु हैज कितने, रितु के पास कितने 575 रुपीस। ओके अब ये कह रहा है कि श्वेता हैज 190 रुपीस लेस देन रितु, रितु से 190 रुपए कम है श्वेता के पास, है ना। तो 190 कम है यानी 190 इसमें से माइनस करेंगे हम तो ये किसका आ जाएगा, श्वेता का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है हम क्या करेंगे, 575 रितु का अमाउंट था और श्वेता का अमाउंट क्या है 575 में से 190 रुपीस कम है, तो आपको फाइंड आउट करना है श्वेता का अमाउंट। अभी हमको क्लियर, अब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आ गया 385 रुपीस किसके हो गए श्वेता के। अब ये कह रहा है कि यदि हम रितु और श्वेता के अमाउंट को साथ रख दें यानी ऐड कर दें, रितु अमाउंट इज 575 जो कि ये है, श्वेता अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है कितना है 385, दोनों को साथ रख दें यानी प्लस कर दें तो वो जो अमाउंट आएगा वो किसका आ जाएगा, रेनू का। सो रेनूज अमाउंट, रेनूज अमाउंट ऐड करो 960 रुपीस, 960 इज द आंसर। रेनू का अमाउंट कितना आ गया 960। वापस से समझा रही हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रितु के पास कितना अमाउंट है 575, ओके श्वेता के पास कितने पैसे हैं रितु से 190 रुपीस कम है, यानी कि सबसे पहले हमें श्वेता का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि श्वेता के पास कितने रुपए हैं रितु से 190 कम, तो रितु में से 190 कम माइनस करेंगे तो वो हमारा श्वेता का अमाउंट आ जाएगा। फिर दोनों को साथ रख दें यानी कि रितु और श्वेता का अमाउंट मिला दें तो वो हमारा जाता है रेनू का अमाउंट, तो हमने उन दोनों को प्लस कर दिया है तो 960 इज द रेनूज अमाउंट। ओके क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ 525 रुपीज, ही बॉट फिश ऑफ रुपीज 150, ऑयल फॉर रुपीज 90 एंड वेजिटेबल फॉर 75, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। वेरी सिंपल, अजय मार्केट गया है ना, मिस्टर अजय वो मार्केट गए कितना अमाउंट लेकर 525 रुपीज। ओके टोटल पैसा उनकी जेब में कितना था 525, उन्होंने फिश इतने की खरीदी 150, ऑयल इतने का खरीदा, वेजिटेबल इतने की खरीदी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसको और इसको प्लस करेंगे। ओके सो हम यहाँ पर स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर अजय बॉट फिश, कितने की खरीदी उन्होंने फिश 150। फिर वापस हमने स्टेटमेंट में लिखा मिस्टर अजय बॉट ऑयल, कितने का खरीदा ऑयल 90 रुपीस। फिर वेजिटेबल मिस्टर अजय बॉट वेजिटेबल, कितने की खरीदी 75। मिस्टर अजय टोटल स्पेंट, ये टोटल स्पेंट किया उन्होंने, मिस्टर अजय ने टोटल खर्च कितना किया है ये अमाउंट, जो आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है अब आंसर आप खुद निकालिए, अभी निकालिए जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप उतार रहे हैं फटाफट आंसर निकालिए। 150, 90 और हमने किए 75,
इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, निकालिए अमाउंट, 315 रुपीज़। ठीक है, ये क्या किया है, अजय ने टोटल खर्चा कर दिया मिस्टर। अब हम, ये हमारा फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, अब हम यहाँ सेकेंड चीज़ फाइंड आउट करेंगे। मिस्टर अजय हैज़ रुपीज़, कितने रुपए थे मिस्टर अजय के पास में, 575। मिस्टर अजय स्पेंट टोटल, टोटल कितना खर्चा कर दिया उन्होंने, 315। नाउ ही हैज मनी, अब उसके पास में कितना पैसा बच गया है, नाउ ही हैज मनी, कितना अमाउंट बचा उनके पास में निकालो, 0, 260 रुपीज इनके पास में बच गए। आंसर ये आ गया हमारा, लास्ट आंसर ये आ गया। टू पार्ट्स में क्वेश्चन हुआ है, पहले हमने क्या किया, जो जो खर्च किया है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल समझ लिए, यदि आप मार्केट गए, आप 20 रुपीज लेकर मार्केट गए, ठीक है, आपने क्या किया, 20 रुपीज आपकी पॉकेट में थे, उसमें से आपने 5 रुपीज पेंसिल में खर्च कर दिए, 2 रुपीज टॉफ़ी ले ली और 3 रुपीज का आपने इरेजर ले लिया। अब आपकी जेब में कितने पैसे बचे, भाई आपने खर्च तो कर दिए, बिस्किट ले, 5 रुपीज का क्या किया, बिस्किट ले लिया, 2 रुपीज़ की टॉफ़ी ले ली, 5 और 2 7, और 3 रुपीज़ का आपने इरेजर ले लिया, तो 7 + 3 = 10, तो 10 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए और टोटल आपकी पॉकेट में कितने थे, 20 थे, तो आपने, अब आपके पास कितना बचेगा, आपकी मम्मी आपसे पूछेगी कितने पैसे लेकर आए हो, तो 20 जो टोटल लेके गए थे उसमें से जो आपने खर्च किया उसको माइनस करेंगे ना, सेम चीज़ हमने वही चीज़ यहाँ पर करी है। सो दिस इज़ योर आंसर।